वाइज तो मैं हो गया हूँ रेडी और बस अब निकल रहे हैं। मैं जा रहा हूँ हरिद्वार कार से, चलते हैं अपन। आगे आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या डिटेल्स हैं, कैसे अपन को जाना है। तो एक बैग हमने ये लिया है, मम्मी ने अपना वो वाला बैग बनाया है, एक ये बैग है। बाहर देखो, बाहर होगा ताला, बाहर है। चलो भाई मिल गया ताला, चलते हैं। लॉक पहले जूते में लेके जा रहा हूँ, ये वाली चप्पल में पहन के जाऊँगा घाट के लिए। और अब ये पहना मैंने, लॉक भी हो गया, बस बाहर का लॉक लगाता हूँ। देख लो रखना है तो देख दे उसको। भैया जा रहा है? ए, नीचे जा रहा है? हाँ करता हूँ भाई, तो हद गर्म हो रही है कि गर्मी में यही दिक्कत है, बहुत ज्यादा ही गर्म हो जाती है। चलो ये चला दी हो जाएगी। ताला तो लगा के नहीं आया। ओ भाई देखो भाई, वो देखो ताले के साथ चाबी रह गई है। फोन मिली आपका? हाँ मिल गया, मन्नू कह रहा था। इंटरव्यू चल रहा है जो आप लोगों को लाइव टीवी पे दिख रहा होगा, पता नहीं कौन है। ये है इनका मेन हेडक्वार्टर। मम्मी वो वैसे ही था भाई, हम लोगों ने पेटीज खाई और वो वाहियात थी, एकदम बकवास। हमने खा रहे हैं मीठा, हम खा रहे हैं ये मीठा ही है, क्या बोलते हैं इसको, पाकीजा। और एक और भी तो है इसमें, चमचम चमचम। गाइस इंडिया गेट आ गया मेरा, बढ़िया लग रहा है, धूप के अंदर तो भीड़ ही नहीं है अभी ज़्यादा। तो गाइस हम लोग रास्ता ले रहे हैं मेरठ एक्सप्रेसवे वाला, वो है हमारा हाईवे। तो हम लोगों को वहाँ से उतरना है, वहाँ से एक रास्ता कट रहा है नीचे, नीचे आओ पेट्रोल वगैरह भरवाओ, और यहाँ पे सीएनजी वगैरह भरवानी है। तो मैंने पूछा उनसे, मेरठ बाईपास पे ही सीएनजी मिलेगी, बाकी हर जगह पेट्रोल ही मिलेगा। क्या वॉल्व खराब हो गई क्या? तो अभी तक तो सही थी यार ये। अबे वहाँ क्या हो रहा है, नीचे क्यों लेटा हुआ? टायर वायर बदल रहा है, टायर बदल रहा है। तो गाइस बाईपास का रास्ता पीछे रह गया था, और अगर बाईपास से आप लोग थोड़ा आगे आओगे, करीबन मैं चलाऊँ 5-6 किलोमीटर आगे, तो ये गेल का है यहाँ पे सीएनजी पंप, तो यहाँ पे आ जाओ। मेरे को इतनी भीड़ तो नहीं मिली, दूसरा नंबर ही है, तो यहाँ पे आप करवा सकते हो। यहाँ पे एक तो ये वाला ख़राब पड़ा शायद, और ये दो इनके चल रहे हैं। 81.50 है यहाँ पे रेट, 8 या 9 रुपये महंगी। भाई ये बंदा एयरपोर्ट्स पर चला रहा भाई, वो बंदा देखो बेच रहा है एयरपोर्ट्स, वो बेच रहा, और मैं वीडियो बना रहा था तो बंदा एकदम से दूर हो गया। क्या लेना है वो? खा लो जो खाना, फ्रूट खा दो, फ्रूट खा लो। कैसे हैं? अच्छे हैं। सूजी के कैसे भाई? गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये लोग खा रहे हैं भाई गोलगप्पे, मैं तो खाना ही खाऊंगा। तो गाइस जब मैं आया था यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी, और अब देखो पीछे तक लाइन लगी हुई है। चलो भाई अब चले चले, और खाना है नहीं। कैसा लगा टेस्ट? सही है टेस्ट? अच्छा है। तो भाई भैया का प्रमोशन कर दो भाई, सही थे इनके गोलगप्पे भैया का। भैया कहाँ लगाते हो रेडी बता दो। सीएनजी पंप। कौन सी जगह है? मेरठ। तो भाई सीएनजी पंप मेरठ, भैया के गोलगप्पे बहुत बढ़िया लगे हमें, तो आप लोग भी खाओ, काफ़ी सही है। बस देख मन्नू इसकी हालत कैसी हो रही है, कैसी हो रही है, चल के हो रही है, पूरी खत्म हो चुकी है। किसी दिन पता चला टायर आके बस बस पीछे और सब साइड में। ले मस्त लगेगा चाय से। एक 40 हो गया, और अभी भी 100 किलोमीटर बचा हुआ।
पिए इससे, ये भाई भी फोन चला रहा है, इससे ही पी लेते हैं। चल यार अब रोक ही लिया भाई ने तो पी ले। तो गाइस हम लोग पी रहे हैं भाई गन्ने का जूस, मुजफ्फरनगर का फेमस है ये भाई, मुजफ्फरनगर का फेमस है, मन्नू बताना मेरे को तो पता नहीं भाई, हम इसी के पीते हैं। मम्मी पहली बार आ रही है, मम्मी कह रही है हम इसी के पीते हैं। कितने वाला ग्लास बना रहा है भाई? तो भाई टोल क्या आ गया, मैं पीने लगा हूँ गन्ने का जूस भैया का। अच्छा सारा गन्ना है, अच्छा। तो भाई गन्ने का जूस बनवाया मैंने और अभी ये मुजफ्फरनगर है और भैया बता रहे हैं इनके खेत हैं पीछे, यहीं से गन्ने तोड़ते हैं और वही गन्नों का रस बन रहा है तो फ्रेश मिल जाएगा अपन को। तो भाई जगह बता दो आपकी, बड़े बढ़िया लगा मेरे को। ठीक है ठीक है भाई, टोल से 100-200 मीटर आ गया भाई, लास्ट वाली है भैया की, तो फ्रेश है जूस, बढ़िया लगा मेरे को भी। ठीक है भैया मिलते हैं आपसे। दोस्तों दर्शन हो गए मार्को गंगा के, माता रोड से ही माता गंगा के, नहीं गंगा मैया के, शीशा नीचे करना मस्त लग रहा है यार। गाइस यहां पार्क कर रहे हैं हम लोग, भाई ये कार्ड मिला है हमारे को। भैया कितने बजे तक है ये? तो दोस्तों 12 घंटे के 100 रुपए ले रहे हैं और इस तरीके का आप लोगों को कार्ड मिलेगा। तो ये है पार्किंग एरिया, चलो भाई हमने लगा दी पार्किंग, ये मेरा कार्ड एटीएम वाला। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ हरिद्वार और अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पार्किंग लगाई है। तो ये सारा पार्किंग स्पेस है, ये ऊपर से हम लोगों का जो मेन हाईवे आता है वो वाला ऊपर से आता है ये वाला, तो वहीं पे एक स्टार्टिंग में बोर्ड लगा हुआ है कार पार्किंग का, तो जस्ट आपको नीचे यहाँ से आना है और वहाँ से अपनी कार की एंट्री हो जाएगी। तो 100 रुपये यहाँ पे ले रहे हैं यार ये लोग 12 घंटे के, ये चार्जेस हैं यहाँ पे। और आप लोगों को पर्ची की जगह यहाँ पे कार्ड देते हैं तो 12 घंटे का उसमें वैलिडिटी है, आप 12 घंटे लगाओ कार, 100 रुपये का चार्ज है। अपनी गाड़ी के शीशे वीशे बंद कर दिए हैं और बस रेडी हो रहे हैं हम लोग घाट के बाद। हमारा प्लान है कि अभी तो देखो 4 तो बज ही गए हैं तो अभी यहीं घूमने में 1-2 घंटे लग जाएंगे, तो 6-6:30 तो बज ही जाएंगे, उसके बाद फिर होटल वगैरह देखना है और बाकी देखते हैं आगे। हम लोग मे भी शायद ऋषिकेश के लिए भी निकले, तो चलते हैं यार अब आप लोगों को घाट दिखाता हूँ मैं। चले आपने कुछ सामान तो लेना, मेरे को क्या लेना है? गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है यार इस टाइम, आंखों पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है बिल्कुल। वो देखो एक और गया ना, इनको स्विमिंग सही आती है, बताओ ये वहाँ पे जा रहा है बीच में, इनको देखो गाइस इतने सारे पानी में यार मस्त स्विमिंग मार रहे हैं और ये उस तरफ जा रहे हैं घाट के, और चौड़ाई देखो यहाँ से लेके वहाँ तक है, यहाँ से वहाँ जाएंगे लोग सामने, बिल्कुल बीच में पहुंच गए भाई, हम तो सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा बसिया के लिए ले रहे हैं घुंघरू, ये तुम्हारी बसिया के लिए है, हाँ दो ही ले लो, चलो इनको बना ले लो भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है दोपहर के टाइम पे, तो मत जाओ। ये भाई देखो पूरा मौज ले रहा है भाई, एक डुबकी तो मार दे यार, मारो
भाई देखो वो मारेगा अब टुक्की, भाई प्रॉमिस करके गया टुक्की मारूंगा मैं, वो जा रहा है नीचे से आ जाओ ना, वो तो चला ही गया भाई। गाइस हम लोगों ने कर लिया है पुल क्रॉस, ये वाला मेरे को नाम तो नहीं पता। सबसे पहला जो पुल था एक वो वाला था ट्रांसपोर्ट जिसमें जा रहा था, यहाँ से हम लोगों ने पुल क्रॉस किया और अब हम आगे जा रहे हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे मार्केट वगैरह थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, और यहाँ पे देखो यार नीचे भी होटल वगैरह बने हुए हैं और यहाँ से व्यू तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। शाम को यार उस तरफ धूप आ जाती है और इस तरफ धूप नहीं है, तो यहाँ बैठने में ज़्यादा सही है, वहाँ तो धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ये आ गए हम लोग मार्केट में, कुछ खा लें यहाँ पे, खा ले कुछ, कुछ खाना है खा लेते हैं कुछ। तो गाइस यहाँ मिल रहे हैं पकौड़े, कचौड़ी भी है, दो चेहरे पैर भैया। मनसा देवी का कितना दूर है यहाँ से, जो ट्रॉली कार्स वगैरह मिलती है जो ऊपर ट्रॉली जाती है उनका टिकट वगैरह? हाँ तो यहीं से सीधे जगह, यहीं से चौक है, चौक से सीधे जाओगे आगे ठीक है। तो गाइस कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं आरती को अटेंड करने, साथ में निकलेंगे ऋषिकेश, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।